हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी रिपब्लिक डे। हम हमेशा टिप्स ट्रिक गेम प्ले वगैरह करते हैं, पर आज हम कुछ अलग करने वाले हैं और मुझे भी लगा ये हमें करना चाहिए। तो आज के वीडियो का कोई लाइक एम नहीं है, बस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इसे और वीडियो बनाऊं या फिर नहीं। उसके बाद लाइक करना नहीं करना आपके ऊपर है, बस वीडियो को पूरा एंड तक देखोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो यार चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यार लीजा मैं फेल हो गया, अब घर जाकर पता नहीं मेरा क्या होगा। मेरी तो पॉकेट मनी भी बंद और डैड मेरा मोबाइल बाइक सब ले लेंगे यार। ओ ये तो अमीर से फकीर हो गया। सुनो तुम कल पार्क में क्या कर रहे थे प्रिया के साथ? सेल्फी ले रहे थे। मुझे सब पता है तुम एक नंबर के चीटर हो, तुम बहुत बड़े नल्ले इंसान हो, तुम जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकते समझे, तुम बहुत बड़े लूजर हो। तो मैं जा रही हूँ, बाय, आज के बाद मुझसे बात करने की जरूरत नहीं। अरे तुम मुझे गलत समझ रही हो, मुझे यार बहुत टाइम हो चुका है यहाँ पर, अब चलो घर निकलता हूँ। ए ऑटो 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 रुको रुको रुको, काटल स्टीवर तक चलोगे क्या? चलेंगे चलेंगे, बैठो बैठो। चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में। अरे भैया थोड़ा गाना बंद कर लो प्लीज। गजब बेइज्जती है। तुम जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकते। चलो यार डेड को देखता हूँ, डेड कहाँ पर है? आने दो अमन को, बहुत ज्यादा नालायक आवारा हो गया, बहुत लड़कियों के साथ घूम रहा है, अब तो फेल भी हो गया। आज तो इसके हाथ पैर तोड़े मैंने, पूरी हीरोपंती निकालूंगा आज इसकी। अब तो मैं बिल्कुल भी घर नहीं जाने वाला, मैं सच में कुछ भी नहीं कर सकता कभी, मैं लूजर हूँ बहुत बड़ा, सब लोग सच बोलते हैं। मुझे जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं है, मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, मैं लाइफ में कभी कुछ नहीं कर सकता, सब लोग सही बोलते हैं। लीजा को भी अब मुझ पर यकीन नहीं है और डेड को भी। किस्मत का क्यों बरसा मुझ पे ऐसा कहर, तुम जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकते, जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर, जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकते। अब इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है मेरे पास। सॉरी डैड, सॉरी लीजा। ओ यार रुक जरा, क्या कर रहा है? अरे मेरी बात तो सुन। हाँ क्या हुआ? सुसाइड? अरे इसका रीजन तो होता शायद मैं कुछ कर नहीं पाऊं। तुम जाओ यहाँ से प्लीज यार जाओ, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अरे बताओ तो सही, उसके बाद जो करना है कर लेना, पर रीजन तो बताओ क्या है सुसाइड करने का? ऐसा बता देता हूँ, पर उसके बाद तुम यहाँ से चले जाना ठीक है? सब पता है तुम्हें, एक नंबर के चीटर हो, तुम बहुत बड़े नल्ले इंसान हो। अब तो फेल भी हो गया, आज तो इसके हाथ पैर तोड़े मैंने, पूरी हीरोपंती निकालूंगा। ओ यार इतनी सी बात में सुसाइड, मतलब तुम पर किसी को यकीन नहीं है, तुम फेल हो गए इसलिए तुम सुसाइड कर रहे हो, इसका मतलब है तुम गलत हो, तुमको खुद पर भी यकीन नहीं है तभी तुम सुसाइड कर रहे हो। तुमको बता देता हूँ मरना सही सॉल्यूशन नहीं है, जिंदा रहकर तुमको लोगों को यकीन दिलाना पड़ेगा, उनकी सोच बदलनी पड़ेगी। अगर तुम मर भी जाते हो तब भी लोग तुम पर उंगलियां उठाएंगे, जब हरभजन सिंह को नहीं छोड़ा तुम किस खेत की मूली हो? और सुनो जिंदा रहकर सिर्फ तुम लोगों की सोच बदल सकते हो, मर कर नहीं। और तुमको हरभजन सिंह की कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद तुमको जो करना हो कर लेना, फिर तुम्हें पता चलेगा जिंदगी की क्या अहमियत होती है। तो ये कहानी है 23 साल के एक लड़के की जिसका नाम था हरभजन सिंह, और ये कहानी कहानी नहीं है, ये एक रियल स्टोरी। तो ध्यान से सुनना। ये बात है 1968 की, जब काफी दिनों से युद्ध नहीं हुआ था। हरभजन सिंह और उनके साथी नॉर्मली ट्रेनिंग कर रहे थे। उन्हें इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि आने वाले समय में कुछ ऐसा युद्ध होगा जो उनकी जिंदगी को बदल कर रख देगा, और हुआ भी कुछ ऐसा। कुछ देर में उनके कमांडो आते हैं और उनको सूचना देते हैं। सुनो हरभजन सिंह इधर आओ। जय हिंद सर। हाँ जय हिंद। सुनो आसपास के गांव पर जंग छिड़ चुकी है, तुम भी अपनी एक टीम बनाओ जल्दी से, और ये जंग काफी ज्यादा बड़ी हो सकती है तो अपने सारे हथियार रख लेना। मैं सारे जवानों को तैयार कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ से अभी निकलना पड़ेगा, तुम जल्दी से तैयार हो और मुझे कैंप पर मिलो। अरे सुनो जंग छिड़ चुकी है, सब लोग तैयार हो जाओ। सुनो सब लोग अपने सारे हथियार कैंप से उठा लो, क्योंकि कुछ ही देर में हमको यहाँ से रवाना होना पड़ेगा, बॉर्डर पर काफी ज्यादा इमरजेंसी लग चुकी है, बहुत ज्यादा आतंकी हमले हो रहे हैं, तो फटाफट सब लोग रेडी हो जाओ। अभी मेरे पास कमांडो का फोन आया, वो बोल रहे हैं कि आसपास के गांव पर भी हमले होने लगे हैं। फायर, आतंकवादी कैंप तक घुसने लगे, हमें फटाफट रेडी होना पड़ेगा, जल्दी निकलो यहाँ से फटाफट। Just
इसके बाद बॉर्डर पर युद्ध छिड़ जाता है और सारे के सारे जवान युद्ध में लग जाते हैं। सब लोग अपना बेस्ट देते हैं पर ये युद्ध काफी ज्यादा भयंकर मोड़ ले लेता है। सुनो सब लोग तैयार हो जाओ, सामने से दुश्मन हमला करने वाले हैं। युद्ध में इंडिया ईंट का जवाब पत्थर से देती है पर इंडिया के भी कुछ जवान शहीद हो जाते हैं। जब तक थी सांस लड़े। कि हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। गाना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। ऐसी काफी देर युद्ध चलने के बाद बॉर्डर पर शांति हो जाती है। सारे जवान अपने कैंप की तरफ जाते हैं पर उन्हें पता चलता है जो हरभजन सिंह था वो भगोड़ा निकला और वो जाकर दुश्मनों के साथ शामिल हो गया। ये बात जाकर वो अपने कमांडो को बताते हैं। ये बात सुनकर कमांडो के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। दो तीन दिन में सारे शहीदों की डेथ बॉडी उनके घर पर पहुंचा दी जाती है और कमांडो भी दो तीन दिन बाद हरभजन सिंह को भगोड़ा घोषित कर देते हैं। पर अगले ही दिन कुछ ऐसा होता है, एक जवान के सपने में हरभजन सिंह आते हैं और अपनी बॉडी का पता बता देते हैं। ये सपना देखकर वो दौड़कर जाता है कमांडो के पास और ये सारी बातें उनको बता देता है। ये बात सुनकर कमांडो बोलते हैं अगली सुबह तुम दो या तीन लोगों को लेकर जाओ और वहाँ पर जाकर खुदाई शुरू कर दो। और अगले दिन सुबह कुछ ऐसे ही होता है, वो लोग सपने में देखी गई जगह पर जाते हैं और वहाँ पर खुदाई शुरू कर देते हैं। कुछ बर्फ हटाने के बाद वो देखते हैं कि अंदर डेथ बॉडी पड़ी है जो कि हरभजन सिंह की है। ये देख के सारे लोग चौंक जाते हैं और वो फटाक से डेथ बॉडी को उठाते हैं और कमांडो को ये सूचना देते हैं। उसके बाद उनको यकीन आ जाता है कि हरभजन सिंह शहीद हुए थे ना कि वो भागे थे। और ये तो हरभजन सिंह का एक पहला चमत्कार था। इसके बाद ऐसी ऐसी घटनाएं हुई जिसका आपको यकीन नहीं आने वाला। इसके बाद हरभजन सिंह ऐसी कई जवानों के सपने में आते और दुश्मनों के सारे राज खोल देते। वो उन्हें बता दे हमला होने वाला है, यहाँ पर दुश्मन आने वाले हैं। ये सारी सूचना जवानों को पहले मिल जाती और इंडिया चाइना बॉर्डर पर उनकी आत्मा पहरा देती थी। ये सारी चीज़ें देखकर सरकार ने उनको महावीर पुरस्कार से सम्मानित किया और वहाँ पर उनका नाम का मंदिर भी बनाया और साथ ही साथ उनके गाँव पर भी उनके नाम के मंदिर हैं। तो ऐसे उन्होंने जिंदा ना रहकर भी अपनी ड्यूटी निभाई और जो उनके लिए सोच थी लोगों की वो बदल दी। ये रास्ते में क्यों पड़े हो? हेलो, अरे सुबह हो गई। अरे यहाँ पर एक आदमी था, आपने उसको देखा क्या? अरे भैया नशे में हो क्या? इतने जंगल पे कौन आएगा? अरे सच में था, वो मुझे हरभजन सिंह की कहानी सुना रहा था। ऐसा करो बेटा, आगे हरभजन सिंह का मंदिर है, तुम माथे टेको और घर निकल लो। आओ मेरे पीछे। वो रहा नीचे मंदिर। ओ ये तो वही है, मतलब कल वो बाबा हरभजन सिंह ही थे जो शहीद इसी के साथ वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और कमेंट करके जरूर बताना कि इस टाइप के स्टोरी वाइज वीडियो बनाऊं या फिर नहीं। तो यार जय हिंद जय भारत।